इधर पूजा वगैरह का सामान है और साथ में देखो सैनिटरी पैड भी रखा है। नहीं ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ना, पूरा एक ही हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। छोटा पैकेट है तो ले ले, नहीं तो हाँ जब क्लास आई थी ना तब यहाँ पे डायरेक्ट देखो बता रहे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप गाइस आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो हम गए थे निशा के लिए गाउन लेने के लिए, तो बेबी शावर के लिए हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो पिछले व्लॉग में ही मैंने बताया कि निशा प्रेग्नेंट है करके, और आई थिंक आप जान ही गए होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बेबी शावर के लिए सामान लाने के लिए, जो भी चीज़ें होंगी मैंने सोचा कि उसके लिए टियारा वगैरह। अब ड्रेस ले लिया है तो ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया मिल गया है कि डेकोरेशन वाले को भी आज हमें कॉल करना है रात में, आज कुछ भी करके हमें डेकोरेशन फाइनल करनी है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से डेकोरेशन वाले को अभी लिस्ट में लेके रखा है बट अभी तक हमने उनको मतलब बुक नहीं किया है, क्योंकि हमने कॉल करा था बट वो उस टाइम बिजी थे, हमने दूसरे दिन भी किया था तो उस दिन भी हो नहीं पाया। बट आज हम सोच रहे हैं आज हम पक्का करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, बस उनको बुक करना है और इन द टाइमिंग पे अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो पंगा हो जाएगा। सो ड्रेस फाइनल है तो ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं टियारा वगैरह सब ले आऊँगी अब, और उस थीम पे हम थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्रेस का कलर तो आपने देख ही लिया है, वो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पिंक कलर का है। तो अभी वहीं पर मैं जा रही हूँ पहले निशा के पास, मैं ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं करने का सोच रही, बट ठीक है यार ये थोड़ा सा गंदा है इसमें नहीं दिख रहा बट थोड़ा गंदा है तो इसको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि रफ़ चीज़ रफ़ ही होती है। हाँ सबसे पहले कि मैं आज देखो माइक लगा के और फिर उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और बाहर काम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि माइक लगा लेती हूँ, मे बी आपको क्लियर वॉइस आए एंड थोड़ा सा नॉइज़ कम हो। सो इसलिए इस खिड़की से देखो यहाँ से है बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि इतना शोर हो रहा है बाहर वो ड्रिल मशीन का, तो इसलिए। बट इससे आज मैंने नोटिस किया कि बहुत अच्छी लाइट आ रही है अब, क्योंकि अब यहाँ पे दीवार नहीं है तो यहाँ पे वीडियो हम शूट कर सकते हैं। बट मेरा टेबल है ना आगे में, बहुत कचरा भरा पड़ा है सो टेबल को कहाँ ही हटाऊँ मैं। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मैंने आज पूरे दिन वेट किया है और अब मैं हार थक के मैं निशा के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन सोचा था मैं आज व्लॉग शूट करने सॉरी हॉल वीडियो शूट करने वाली थी, व्लॉग नहीं शूट करने वाली थी आज। और आज मैं साड़ी लेके आई हूँ मीशो का, मतलब आ चुके हैं मेरे, बट एक साड़ी है वो अभी तक नहीं आया है, जिसके वजह से मैं हॉल वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ और उसके वजह से मुझे आज भी कैंसिल करना पड़ रहा है, उसके चक्कर में बहुत सारा काम पेंडिंग है। यार इसके घर का ना एक ही प्रॉब्लम है, इतना ऊपर है चलते चलते थक जाते हैं। बहुत टाइम बाद आ जाई हूँ मैं इसके यहाँ, थोड़ा दिखा इधर देखो स्पीड से सही बता रहे देख तो बदमाश हो गई है। मैं सोची तो रेडी होके बैठी होगी, हम जाएंगे अब तुरंत नीचे सामान लेने। बहुत दिन हो गया यहाँ पे आए हुए, नहीं तभी है कब आई थी मैं लास्ट टाइम, हाँ हाँ जब क्लास आई थी ना तब यहाँ पे डायरेक्ट आई थी, फिर यहाँ से जो गई जिस दिन से क्लास नहीं गई हूँ उस दिन से यहाँ भी नहीं आई हूँ, जब से ये नहीं गई है तब से नहीं रे, उस टाइम से नहीं गई, क्लास भी नहीं गई हूँ यहाँ भी नहीं आई हूँ। ये तो ज़्यादा छोटा हो जाए देखो, ये तो बच्चा लग रहा है। ये भी ठीक, प्राइस बता 45 रुपीज़, लेकिन प्राइस ठीक है 45 रुपये, तो छोटा है ना, क्या हो गया, कम से कम 20 ले लिए तो सब कुछ 20 ले लेना। हाँ तो 20 होगा, 20 है नहीं सब कुछ लेना है, सब कुछ 20 ले, हाँ, ग्लास भी 20 है, 20 चम्मच हो गया, अब बस प्लेट देखना है। ये ले इसमें ना करी वरी बांटेंगे छटका छटका में, चांदी के बर्तन में खिलाएंगे। मैं यही वाला छोलनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाले से नहीं होता। ये थाली ले, इसमें हम नाश्ता डालेंगे देख, ये वाला ठीक, हाँ खल वाला, लेकिन ऐसा चार मिल जाता ना देख ये वाला, बट ये भी थोड़ा छोटा हो गया, हल्दी वो भी अच्छा लग रहा है। ये ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्लेक्स मिक्सचर, अच्छा सब कुछ है, अच्छा ये भी खट्टा मीठा टाइप ही है मतलब, हाँ
छोटा पैकेट है तो ले ले, नहीं तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हाँ ये ले ले, कितना है? ले ले चाहिए तो। एक में कितना पीस निकलेगा मुश्किल से? दो ले ले। एक दो तीन चार नौ मिले, ज़्यादा लोग मीठा खाएंगे नहीं। पूरा दुकान है, चला जा। आने लग जाता है मेरे को सच्ची में, ऐसा ऐसा महंगा है। पंचान जो फ्रेश फ्रेश चीज़ है ना वो उस टाइम पे आ जाएगा तो बेटर है। बड़ा भीड़ है। टियारा यहाँ पे नहीं मिलेगा? इसके पास भी तो होता है ना टियारा वगैरह। थाली हो गया, थाली तो हम ले चुके हैं। ये हार्ड है तो अच्छा है, लेकिन हमें इतना नहीं, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ना, पूरा एक ही हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ थोड़ा वो चौला है, मतलब लंबा नहीं है बट हाँ डिफरेंस नहीं है। इधर पूजा वगैरह का सामान है और साथ में देखो सैनिटरी पैड भी रखा है, मतलब बगल बगल में। ये सब नहीं देखते ना, मतलब कुछ भी कहीं भी रख देते हैं तो इनका कोई नहीं। नहीं है ना, मोर में भी नहीं है, मोर में भी ढूंढ लिया, मोर में भी नहीं है। चुपा चुप खाइए, चुपा चुप ये वाला नहीं खाइए, बहुत मस्त लगता है, खट्टा मीठा, सोना को बहुत पसंद है। तो हम इस शॉप पे आए थे, ये था जनरल स्टोर पर वहीं पे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे टियारा मिलेगा। तो टियारा थी बट येलो कलर की थी, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें अपने आउटफिट से मैचेबल चाहिए था। सो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट शॉप से ही लेंगे क्योंकि यहाँ था नहीं। हम लोग पहले ले लिए, आप लोग का काम आसान कर दिए हैं। अभी खा रहे हो ना तुम? हम तुम क्या अरमान नहीं रहे बट पार्टी ये वाला ऐसे। हाँ ये वाला लेके आए हैं। काजू डले का पुलाव में इसीलिए रखे हैं वो। हाँ और वो भी पुलाव का ही सामान है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर निशा का शॉपिंग कराने के बाद, क्योंकि वहीं पे सब लिया, जितना मिल सका उतना लिया हमने, लाइक प्लेट्स वगैरह, और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना छूट गई हैं, जैसे कि दो तीन चीज़ें हैं, राइस वगैरह सब छूट गए हैं, और बाकी चीज़ें तो 6 तारीख को मे बी आ जाएगा तो बेटर रहेगा, फ्रेश फ्रेश उस दिन ही लेंगे। बट अभी हमने जो जो चीज़ें लिए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एंड हमें टियारा वगैरह नहीं मिला, एक जगह मिला था बट वो डिफरेंट था, तो बस वो लेना है। अभी मैं घर आ गई हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो वो चीज़ बहुत ही टाइम से मैं सोच रही थी लेने का, और अभी हमें वो मिल गया तो मैं लेके आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा लाइक और मैं सोच रही थी थोड़ा सा बड़ा हो, पर ठीक है इतना ही है, इसको कुछ करेंगे हम, सो दिखाती हूँ। हाँ तो गाइस ये है हमारी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली थी, ये है मिरर, ये बहुत अच्छी सी लंबी लेंथ वाली मिरर है लाइक, बट और मैंने सोचा और थोड़ा सा यहाँ पे इतना बड़ा होता तो बहुत अच्छा होता। अब मुझे ना उसे ऊपर करना पड़ेगा लाइक कांटे पे, वहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दो यहाँ पे दिए हैं सिस्टम दोनों जगह, ताकि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बट दीवार में करना पड़ेगा और हैवी वेट है बहुत इसका, सो थोड़ा पंगा तो होगा इसको सेट करने में, बट अब ठीक है। यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए या फिर हॉल वीडियोस जब मैं बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पे हॉल वीडियोस में शॉर्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और मेकअप वगैरह करने के लिए यहीं पे बैठ के मैं कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस मिरर में अब मुझे लाइटिंग सेट करनी है, और थोड़ा सा ग्रीन वाला जो लीफ है जो पीछे मेरा बैकग्राउंड में आप देख रहे हो उसको मुझे लगाना है, एंड मुझे लाइटिंग्स लगानी है। तो मैंने सोचा था कि मैं लाइटिंग्स खुद ही लगा लूँगी, क्योंकि लाइटिंग्स वाले बहुत महंगे थे, बट ये हमें बहुत कम में मिल गया।
तो बस गाइस बस इतना ही वीडियो का मेन करते हैं और इसके बाद ही शायद आपको बेबी शावर का वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन भी हो रही है एंड या इससे पहले भी मिल सकती है क्योंकि मैं इस वीक मे बी सैटरडे संडे है तो देखती हूँ, बट इस वीडियो के बाद तो पक्का पक्की आ जाएगा और क्योंकि अब दिन भी ज़्यादा नहीं बचा है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।